भारतम जयत संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत सद्य छात्र छात्री माने आमे गत अध्याय रे पढ़िथिले अनुच्छेद भाग 3 आज अनुच्छेद भाग 4 रो आलोचना करिवा तत्पूर्वर एही अनुच्छेद को आमे प्रथमे पाठ करिवा एकदा काचित् महिला वस्त्र प्रक्षालनार्थं नदी तीरं गता स्वस्य शिशुं पुत्रं समीपे स्थापयित्वा प्रक्षालन कार्ये व्यापृता अभवत् नदी तटे वटतरोः अधः कश्चित् योगी मुद्रित लोचनः ध्यानमग्नः उपविष्टः बालकः क्रीडन् जलमध्यं प्रविष्टः नदी प्रवाहे पतितः च जलधारये प्रवाहितः शिशुः मरणोन्मुखः आसीत् जीवन रक्षार्थं माता आर्तस्वरेण जीवय जीवय इति उच्चैः शब्दं कृतवती अनेन शब्देन योगिनः ध्यानभङ्गः जातः स तत्र निश्चलः ध्यानमग्नः भवति चेत् शिशुः मृत्युमुखे पतिष्यति शिशु रक्षार्थं ध्यानभङ्गं करोति चेत् तपस्या भङ्गः भविष्यति एवं सः द्विधाग्रस्तः अभवत् स्वार्थं साधे परार्थे जीवनं वा पाते अन्ततः गत्वा सः नदीमध्यं प्रविश्य शिशुम् उद्धारयामास सुष्ठु उच्यते स बन्धुर्च विपन्नानाम् आपदुद्धरणक्षमः पुनश्च स्वार्थपरार्थयोर्मध्ये परार्थो हि विशिष्यते एवे आमे आलोचना आरम्भ करिवा एकदा काचित् महिला वस्त्र प्रक्षालनार्थं नदी तीरं गता एकदा थरे काचित् महिला कौनसी एक स्त्री लोक वस्त्र प्रक्षालनार्थं लुगा सफा करिया पई नदी तीरं गता नदी कूल को जाइथिला स्वस्य स्वस्य शिशुं पुत्रं समीपे स्थापयित्वा स्वस्य निजर शिशुं पुत्रं छोट छुआ को बपुओ को समीपे स्थापयित्वा निकटरे बसाई बाथोही बाराखी प्रक्षालन कार्य व्यापृत अभव लुगा सफा करिवा कार्य रे व्यापृत अभव अर्थात संलग्न अभव लागी गला नदी तटे नदी कूलरे बटतरोह अधः बर गच्छर तले कश्चित् योगी केहि जने मुनि वा सन्यासी मुद्रित लोचनः ध्यानमग्नः उपविष्ट चक्षु बंद रखी ध्यानमग्नः उपविष्ट ध्यानमग्न भावरे बसितिले बालकः क्रीडन् जलमध्यं प्रविष्ट बालकटि खेलु खेलु जलमध्यं को प्रवेश कला एहि कहि रखियो चाहुचि जे ए अनुच्छेदरे किछि त्रुटि विच्युति लेखागत रहिछि प्रथमे शिशुं पुत्रं अछि तापरे ठारे बालक रखा गला परवर्ती वाक्यरे ताहा पुणि शिशुपुत्र भावरे लेखा जाउछि तेंकरि एभळि त्रुटि विच्युति लेखागत थिले मध्य एथिपाई आमे चिंतित रहिबा नै आमर प्रश्न जेहु भळि भावरे आसिबो आमे सदा सर्वदा प्रश्न अनुजाई उत्तर करिबा तापरे जीवा अनुकु नदी प्रवाह बालकः क्रीडन् जलमध्यं प्रविष्टः तत्परे नदी प्रवाहे पतितः च ओ नदीर स्रोतरे पडिगला जलधारय प्रवाहितः शिशुः जलस्रोतरे भासि जायथिबा शिशुटि मरणोन्मुखः आसीत् मरणमुखी होइ पडिला जीवन रक्षार्थ माता तार जीवन रक्षा निमित्त तार मा आर्तस्वरेण विकल स्वरे जीवय जीवय इति उच्चैः शब्दं कृतवती बचाओ बचाओ बोली जोर रे शब्द करिबाकु लागिले अनेन शब्देन एही शब्दरे योगिनः ध्यान भङ्गः जातः योगिंकर पासे सन्यासिंकर ध्यान भांगी गला स तत्र निश्चलः ध्यानमग्नः भवति चेत् चेत् पाके आरम्भरे व्यवहृत हुए नहीं बोली मझिरे अछि आमे अर्थ कला बेळकु आगुकु नै जीवा यदि चेत् अर्थ यदि यदि से सेठारे अर्थात सेही बरगछ मूलरे निश्चल भावरे ध्यानमग्नः भवति अर्थात ध्यानमग्न रहुछन्ति शिशुः मृत्यु मुखे पतिष्यति शिशु मरण मुखरे पडिबो एठारे मध्ये लेखागत त्रुटि शिशु मृत्यु मुखे पतिष्यति अगर लेखा सच्चे शिशु मरण मुख आसे तेठी शिशुः मरिष्यति शिशु मरिबो शिशु रक्षार्थं ध्यान भंगं करोति चेत् औ यदि शिशुर जीवन रक्षा निमित्त निजर ध्यान भांगी से स्थान परित्याग करी चली जाउचंती शिशु को रक्षा करिबा को ताहले तपस्या भंग भविष्यति एठरे उहे रहिछि तस्य तस्य तपस्या भंग भविष्यति अर्थात तंकर तपस्या भांगी जीव
एवं स द्विधाग्रस्तः अभवत्। इति से द्विधाग्रस्त द्विधा गोटे अव्यपद जहाँ अर्थ है दुई प्रकार सन्देह अर्थात दुई प्रकार सन्देह वशवर्ती से होइगले क्यों कार्य करिबा उचित क्यों कार्य न करिबा उचित एहा से निर्णय करिबारे तांको टिके असुविधा बोध हला। परवर्ती समय से चिंता कले जे स्वार्थम साधे परार्थे जीवनम बा पातय स्वार्थ साधन करिबा उचित बा अन्य निमित्त जीवन को उच्चार्थ करिबा उचित शेषरे अंततः शेषरे गत्वा जाई अर्थात तंग हृदय तंग विवेक अनुमोदन देव कथा को कला सही कार्य को ही से कले अंततः शेषरे गत्वा जाई सह नदी मध्यम प्रविश्य से नदी मध्यम को प्रवेश करी शिशु उद्धारयामास से शिशु को जे नदी स्रोत रे भासी जाई मरणमुखी हुई पड़ी थिला ताकु उद्धार करे एई भली अनुच्छेद थिला शेषे कहुच्छे सुष्ठुच्यते यथार्थे कह सबंधुर्जो विपन्नानुद्धरण क्षम एठार सन्धि विच्छेद विपन्नाना आपद उद्धरण क्षम तुम्हें कह ना से ही प्रकृत बंधु जी विपदग्रस्त मान विपद उद्धार करवाक समर्थ अटे कि मो मतरे ये उक्ति सदुक्ति ठीक हो पाए कि प्रसंग क्रमे ये कहानी उपरे एहा एते समीचीन बोध हेउ नै इति पाइन जे एठरे जे शिशु पुत्र को सन्यासी जनक नदी स्रोत रे भासी जीवारु मा मरिबारु रक्षा कले से शिशु अबोध अटे तार बोध शक्ति उदय हेनी ज्योति पाइ से नदी स्रोत रे पड़ी गला एवं भासी गला एवं मरणमुखी होला तेंपुरी सी बा किभळी मने रखि परिबो जे ई सन्यासी तांको रक्षा करथिले एवं ए सन्यासी तार बंधु मध्यरु अन्यतम बोली परम बंधु बा श्रेष्ठ बंधु मानक मध्य अन्यतम बोली तेंकर एठरे ए असमीचिन्न बोध होचि परंच पुनश्च द्वितीय सदुक्ति के एठरे लिखा जाइछि बा एठरे थर्ड बा मोरल टि लिखा जाइछि एटा अधिक असमीचिन्न बोध होचि पुनश्च स्वार्थ परार्थय मध्य परार्थ ही विशेष्यते स्वार्थ ओ परार्थ ए उभय मध्य रे परार्थ ही विशेष्यते अर्थात जते बले आम पाखरे स्वार्थ सिद्धि ओ परार्थ सिद्धि ए उभय कार्यर समीचीनता बोध हेब सेते बले अधिक समीचीन परार्थ ही हेबा श्रेयस्कर अटे कारण सहृदय सचेतन व्यक्ति सदा सर्वदा स्वार्थ सिद्धि अपेक्षा परार्थ सिद्धि को अधिक आलोकपात करिबा उचित अर्थात परार्थ विषय अधिक चिंतित होई परार्थर सिद्धि निमित्त कार्य करिबा उचित कारण पाठरे अन्यत्र लिखा जाइछि परोपकाराय स्वर्गाय तले आमे अनुच्छेद पठन सारिले एहर प्रश्नोत्तर आलोचना करिनबा। प्रथम प्रश्न अछि महिला पुत्र किमर्थम गतवती महिला पुत्र किमर्थम गतवती आमे अनुच्छेद देखिबा महिला पुत्र नदी तीर किमर्थम वस्त्र प्रक्षालनार्थम गतवती यदि चैठरे अनुच्छेद रे गता लिखाई छे हमें गतवती लिखे बारंबार मु कहि रखी छे प्रश्न अनुसारे उत्तर हमें परिवार चेष्टा करिबा कट पेस्ट बा कॉपी पेस्ट अनुच्छेद रे करिबा भल कथा तले द्वितीय प्रश्न को जीवा द्वितीय प्रश्न अठारे कह छे महिला नदी तीरम गत्वा किम कृतवती महिला नदी तीरम गत्वा स्वस्य शिशुं पुत्रं समीपे स्थापयित्वा प्रक्षालन कार्ये व्यकृता अभवत्। तृतीय प्रश्न जोगी कुत्र कीदृशः उपविष्ट जोगी कुत्र कीदृशः उपविष्ट जोगी कुत्र नदी तटे वटतरोः अधः यदि का कुत्र उत्तर जोगी नदी तटे वटतरोः अधः कीदृशः मुद्रित लोचनाः ध्यानमग्नाः उपविष्ट। परवर्ती प्रश्न शिशु को प्रथम नदी मध्यम प्रविष्ट एठरे प्रश्न अछि शिशु किंतु अनुच्छेद रे लिखा जाय छि बालक आमे लिखिबा प्रश्न अनुसार उत्तर तले शिशु को क्रीडन जल मध्यम प्रविष्ट। परवर्ती प्रश्न नदी प्रवाहे शिशोः कीदृशी अवस्था जाता नदी प्रवाहे शिशोः कीदृशी अवस्था जाता नदी प्रवाहे पतितः जलधारया प्रवाहितः शिशुः मरणोन्मुखः आसीत् औतरे नदी प्रवाहे पतितः जलधारया प्रवाहितः शिशुः मरणोन्मुखः आसीत्। परवर्ती प्रश्न
महिला स्वपुत्र रक्षार्थं किं कृतवती। महिला स्वपुत्र रक्षार्थं आर्तस्वरेण जीवय जीवय इति उच्चैः शब्दं कृतवती। महिला स्वपुत्र रक्षार्थं आर्तस्वरेण जीवय जीवय इति उच्चैः शब्दं कृतवती। परवर्ती प्रश्न, योगिनः ध्यानभंगः कथं जातः। एठारे आमे लिखिबा जदा, एठारे आठ तरीके लिखिबा जदा जीवन रक्षार्थं कहर न जदा स्वस्य शिशुपुत्रोः जीवन रक्षार्थं जदा स्वस्य शिशुपुत्रोः जीवन रक्षार्थं माता आर्तस्वरेण जीवय जीवय इति उच्चैः शब्दं कृतवती तदा लगेव अनेन शब्देन वत्तेन शब्देन योगिनः ध्यानभंगः जातः। परवर्ती प्रश्न, योगी कथं द्विधाग्रस्त आसीत्। योगी कथं द्विधाग्रस्त आसीत्। एठरे अमे सह जगरे योगी आसीजीव तत्र जगरे बटतरोः अधः आसीजीव। तले योगी बटतरोः अधः निश्चलः ध्यानमग्नः भवति चेत् शिशुः मृत्युमुखे पतिष्यति। शिशु रक्षार्थं ध्यानभंगं करोति चेत् तस्य एठर एडिशन आसीव तस्य तपस्या भंगः भविष्यति एवं सः द्विधाग्रस्तः अभवत्। परवर्ती प्रश्न, योगी अंततः गत्वा किं कृतवान्। योगी अंततः गत्वा नदी मध्यं प्रविश्य शिशुं उद्धारयामास। शेष प्रश्न, एहि अनुच्छेदर अत्र का नीति शिक्षा लभ्यते। अत्र इयं नीति शिक्षा लभ्यते देखि आमे द्वितीय उक्तिटिकु वा सदुक्तिटिकु लिखिले भल हेब। तले लिखिबा अत्र इयं नीति शिक्षा लभ्यते हाइफेन दबा एभळि भावरे एवं इन्वर्टेड कमा भीतर लिखिबा स्वार्थ परार्थयोर मध्ये परार्थो हि विशिष्यते। दुईटि जक उक्ति को आमे लिखिले जति कि मार्क मिलिबो गोटिए उक्ति लिखिले मध्ये सेति कि मार्क मिलिबो। तेंकर ए दुईटि उक्ति भीतर जेहेतु अधिक समीचीन बोध हेउछि द्वितीयटि जहा कि पाठ मध्ये रे मध्ये अठरे लेखा जायछि तेंकर सेही उक्ति टि को हि आमे उल्लेख करिबा। ए सरेला अनुच्छेदर आलोचना तथा प्रश्नोत्तर आमे विगत अध्याय मानकरे अनुच्छेद 1 2 3 रे आलोचना सारिचे जे अनुच्छेद 4 रे आलोचना सारिले आमे जानिचे हमर ए वर्ष पई अनुच्छेद 1 2 3 4 ए चारि गोटी अनुच्छेद को स्थानित रखा जायछि विषय अंतर्भुक्त का कोर्स अंतर्भुक्त करा दैछि। आमे तार आलोचना सारले जो अनुच्छेद मानकर केवल मात्र 2 नंबर संबंधित प्रश्न 6 टी पढिबा आमे 5 टी उत्तर करिबा 10 मार्क पई तेंगरी आमे एही अनुच्छेद को बारंबार ए चैनल माध्यम रे सुनी हमें निजो को प्रिपेयर करबा हमर परवर्ती समय रे जते बेले हमर परीक्षा हो से परीक्षा रे की बड़ी भाव रे सफलता सहित हमें 10 नंबर रो 10 नंबर पाई करबा। यदि ए चैनल रो तुम मानन को पाई ए जो आलोचना कार्यक्रम प्रश्न उत्तर सह विषय गुणी कर पुंखानुपुंख भाव रे करा जाउछि। यदि यह तुमको भल लागतुबो निश्चित भाव रे एही YouTube चैनल को तुम मने सब्सक्राइब करियो सहित लाइक करियो एवं बारंबार एथिरो तुमे सुनि निजर परीक्षा रे विनियोग करी कृतकार्य हेबो बोली मोर आशा और विश्वास। धन्यवाद।